अवधेश ठाकुर का और पूछ रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से क्या निवेश करना चाहिए। तो यदि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बहुत अच्छी रैली तो दिखाई थी पहले, और ऑलमोस्ट मतलब 30 रुपए से ये 100 रुपए तक गया था सितंबर में। उसके बाद लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, और यदि मैं इसे ट्रेंड पर्सपेक्टिव से देखूं तो कहीं ना कहीं ये एक अब कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल दिख रहा है। ये इसमें आप जरूर ऐसा कर सकते हैं, एज अ मतलब स्टॉक एसआईपी के रूप में भी इसे आप देख सकते हैं। तो एक लेवल में आपको दे देता हूं 70, वो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, तो वहां आता है तो कुछ परचेस कर सकते हैं। और मेजर जो सपोर्ट जोन इसका है वो समवेयर अराउंड 60-64 के बीच में है। तो यदि फर्दर भी करेक्शन आते हैं तो यू कैन लुक एट सम बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव आपको लेके चलना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि शॉर्ट टर्म में देर बी सम मेजर रैली, क्योंकि ऑन दी अपसाइड जब तक ये 75-76 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर रैली। और ट्रेंड परस्पेक्टिव से बोलूं तो ऑलरेडी इसमें करेक्शन 30% की आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट भी देख रहा है। मतलब फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव यू कैन लुक एट इट, बट अभी इसे आप स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा।